सेकंड, हम लोग में से बहुत कम लोग थे जो जिन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया था कि दिशा और सुशांत का केस लिंक्ड है. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों के जो सोर्सेज हैं प्लस हम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी हद तक ठीक निकली. एंड जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, अब ये चीजें आगे पीछे हो सकती हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारे भी सोर्सेज 100% श्योर नहीं है. उन्होंने जो सुना है वो हमारे तक भेजा है और वो मैं आप तक लेके आई हूँ और अर्नब जी तक भी मैंने पहुंचाया है अपनी वीडियो में. की चीज यही है कि दिशा को इस चीज के बारे में पूरा पता चला था. अब बहुत सारे लोग बाग ये बोल रहे हैं क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली थी डे ऑफ 14 जून की, जबकि दो एम्बुलेंसेस गई थी और 2 से 3 बॉडीज निकलने का अंदेशा है, उसमें से हमें कंफर्मेशन नहीं है कितने, बट एक चीज ये भी हो सकती है बिकॉज ईडी जो है वो सीबीआई ही थी एंड वो उनका एक उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पैरेलली चल रहा था. मतलब वो इधर क्वेश्चनिंग भी कर रहे थे, उनकी टीम अलग से काम भी कर रही थी, बिकॉज आपको पता है कि मुंबई पुलिस इस चीज में काम नहीं करने दे रही थी. तो उन्होंने बहुत क्लेवरली इस चीज को हैंडल किया है और उन्हें अरेबियन सी से एक लड़की की जो कि माइनर है अराउंड 14 to 16 उसकी बॉडी मिली थी. अब आपको पता होगा कि सुशांत का जो सर्वेंट है केशव, जो लॉयल उसका सर्वेंट था, वो भी गायब है. सो इट कुड बी एनी वन ऑफ देम. नाउ केशव को भी अगर आपने उसकी फोटो देखी होगी, ही हैड लेस हेयर. लाइक सुशांत के भी हेयर ज्यादा नहीं थे, बट एटलीस्ट ही हैड मैनली काइंड ऑफ हेयर एंड केशव वॉज मच मोर लाइक not having much hair. So जो second body है जिसपे मैंने आपको दिखाया था कि side में जो है हमारे stretcher जो है उसके side में बाल भी लटके हुए थे और हाथ भी जो दिखाया था वो girl kind का हाथ था, like चिकना basically. So it could be कि वो उसकी body हो. Now let come back on 8th of June. 8th ऑफ जून से ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हो चुका था. जैसे कि अब अर्नब सर के चैनल पे, रिपब्लिक पे ये खुलासा हुआ है कि 8 सीडीज क्लीन करी गई हैं. अब यहां मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूं कि प्लीज इस पे ध्यान दीजिए. और ये मैं शुरू दिन से बोल रही हूं कि सुशांत इस दौरान सब लोग वेले थे. मतलब आपने देखा होगा करण जौहर हाई टीज कर रहा था अपने बच्चों के साथ एंड ऑल दैट, सब लोग वेले थे, बट सुशांत इतना ब्रेनी था कि इस टाइम भी काम कर रहा था. उसके भगवान के मेडिटेशन बकायदा वो शाम को भजन स्टार्ट करता था एंड ऑल दैट. तो ही माइट बी वर्किंग ऑन मेनी भजन्स रिलेटेड टू श्री कृष्णा, रिलेटेड टू शिवजी भगवान जी. तो अगर कुछ आता है आप उस पर ऑब्जेक्शन उठाना, क्योंकि हो सकता है कि वो सुशांत का हो और सुशांत की वॉइस हमें बहुत अच्छे से पता है. तो फॉर्चुनेटली अनफ अगर उसने अपनी वॉइस में किया होगा बहुत अच्छा है, वो हम पकड़ सकते हैं. अनदर थिंग जो मैंने आपको बताया था कि वो उस पे काम कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके, उसकी बकायदा काफी सारे साइंटिस्ट से बातचीत चल रही थी. तो इट माइट बी दैट, क्योंकि अभी आपको पता है कि बेबी पेंगुइन ने अभी ये रिलीज किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करके कोविड टेस्टिंग किट्स बनाई हैं, जो कि आई एम 100% श्योर अबाउट इट वो सुशांत का काम है. एंड फॉर्चुनेटली इनफ हम लोगों ने सही टाइम पे आवाज बुलंद की थी इस मामले में. और मीना जी जो है, मीना दास नारायण जो कि जो बहुत क्लोज एक जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, बहुत हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये लकीली हम लोगों की रिक्वेस्ट पे देखा, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है एंड शायद से वो नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगी और इसको लाइक इसके ऊपर उन लोगों का डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगा. सो आई रियली अपील right now through my video to all of you guys to please tag the necessary departments and let them know ki ye ho sakta hai ki us din jab 8 cd clean kari gayi hai to usme se basically data jo hai sushant ka leke jin bhi
जिन भी चीजों पे वो काम कर रहा था उसका डेटा लेके उन्होंने स्टोर करा अपने पास एंड सुशांत की तरफ से पूरा क्लीन कर दिया सो दैट क्योंकि दो पेटेंट थे जिन पे वो काम कर रहा था। फिर मैंने आपको एक और बताया था कि मल्टी मिलियन डॉलर्स का एक कोडिंग का काम था जो वो कर रहा था, जो कि जिसका मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऐसा लगता है, इट कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सिद्धार्थ पेठानी ने गबन कर लिया होगा बिकॉज ही इज फ्रॉम आईटी। सो दैट इज अनदर थिंग जो कि उसकी चोरी हुई है, फॉर श्योर हुई है। नाउ अब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक और खुलासा करती हूँ कि जैसे आपको याद है कि पीछे रिया चक्रवर्ती और सॉरी एक्चुअली नहीं एक बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट जो है जिसको पैसा फेंको तमाशा देखो वाले जर्नलिस्ट परखा दत्त, उसने एक खुलासा किया था हमारे सुशांत को बदनाम करने के लिए कि उसको बाइपोलर डिसीज है और उसने एक डॉक्टर से बात कराई थी, सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट जो कि आजकल गायब है, और उसने ये कहा था कि आप इनसे पूछिए एंड उन्होंने पूरी बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। बिकॉज एक्चुअल में क्या हुआ, रिया ने अपने फ्रेंड्स जो कि बॉलीवुड से, उनको फोन किया, काफी काफी पहुंचे हुए फ्रेंड्स को, और उनसे बोला कि यार मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई है ना, तो यार मुझे बचाओ, कोई ऐसा बंदा बताओ जो कि जिसके मुंह पे पैसे फेंके और वो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करें। तो उनमें से दो बंदे जो है जो बिक जाते हैं पैसों के लिए, राजदीप सरदेसाई और बरका दत्त, वो उसके रेस्क्यू के लिए आए। और उसके बाद में आपको मैंने यादव वाला भी दिखाया था, वो लड़की जो है। अब इस तरीके के बहुत सारे जर्नलिस्ट आए, अभी भी आप देख लो आज तक वगैरह जो है वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत को बड़ी आदत थी ड्रग्स लेने की, रिया ने तो उसको बोला था कि तुम ड्रग्स, मतलब यार हद है तुम लोगों की, लानत है तुम लोगों पे, तुम्हारे जर्नलिज्म पे। इन लोगों पे ना एक कमेटी बैठनी चाहिए और इनका काम धंधा बंद कराना चाहिए। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो मुझे ये लगता है कि उस दिन जो आईटी प्रोफेशनल्स आए थे उन्होंने इसके पेटेंट्स वगैरह चुराए हैं उसकी सीडी से, अपने पास एक डेफिनेटली एक कोई ना कोई पॉइंट रखा है, सीडीज बैकअप सीडीज रखी है एंड सुशांत की तरफ से उन्होंने पूरा क्लियर ऑफ किया है। डोंट फॉरगेट कि रिया पिछले इतने महीनों से सुशांत के यहाँ पे रह रही थी, तो बेसिकली उसका कार्टल जो है, ड्रग कार्टल कहो या कोई भी कार्टल कहो या ये पूरा स्कीम एंड कॉन्स्पिरेसी जो हो रही थी सुशांत को मारने के लिए, सब कुछ ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू होता है। तो उन लोगों को अपना जाने से पहले उन लोगों को अपना पूरा क्लीन करना था, तो उन्होंने ये चीज करी है। नाउ मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूं इम्तियाज खत्री की। अब इम्तियाज खत्री कौन है, ये बोलते हैं सो कॉल्ड बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट बिजनेसमैन जिसके पास बेइंतहा पैसा है, जिसकी फोटोज आप देखोगे सूरज पंचोली के साथ, सलमान खान के साथ, इसके साथ उसके साथ, मतलब फ्रॉम नोबडी टू एवरीबडी इन इंडस्ट्री। चाहे आप फिर क्रिकेट में घुस जाइए तो हाई एंड क्रिकेटर्स जैसे धोनी वगैरह इसके साथ हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में घुस जाइए तो मिक्का वगैरह, हनी सिंह एंड ऑल दैट सब इसके साथ मिलेंगे आपको। आप सेलिब्रिटीज में चले जाइए तो एवरी फीमेल सेलिब्रिटी इज पोजिंग अप विद हिम। सो हु इज ही, कौन इसको इतने पैसे दे रहा है, सडनली ये कहां से निकल के आया है? वेल ये बहुत टाइम से था, बट फॉर्चुनेटली इनफ हम लोगों की नजरें पड़ी हैं एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग दैट ही इज बेसिकली अ पर्सन हु हैज बीन डेवलप्ड टू ग्रो ड्रग्स कार्टेल इन मुंबई थ्रू ड्रग माफिया दाऊद। सो मैं अभी आपको इसकी वीडियो दिखाती हूँ, आप वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से सुशांत के साथ फोर्सफुली उसको ले जाने के लिए कर रहा था। प्लीज इस वीडियो में अर्णब गोस्वामी जी को, सर को, ईश्करण भंडारी सर को, स्वामी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को टैग जरूर करिएगा, बिकॉज इन सब लोगों को इम्तियाज खत्री पे पकड़ रखना बहुत जरूरी है। मैंने बोला है बेबी पेंगुइन, सो इट्स हाई टाइम नरेंद्र मोदी जी, वी आर विद यू, पीपल ऑफ इंडिया आर विद यू, हमें बीजेपी गवर्नमेंट या हमें कोई एक स्ट्रांग नेता आपकी तरह, योगी जी की तरह, अमित शाह जी की तरह चाहिए मुंबई में, जो हम बोलते ना कि जैसे इस क्वारंटाइन में
थोड़ा सा हम लोग जो अपने घर के अंदर रहे हैं, हमारी संस्कृति शुद्ध हुई है, हमारी प्रकृति शुद्ध हुई है, तो इस क्वारंटाइन आप मुंबई को भी शुद्ध कर दीजिए प्लीज। लोगों का सपोर्ट आपके साथ है, जो लोग मेरे साथ इस बात पे बोलते हैं वो नीचे कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू टैग पीपल एंड स्प्रेड इट लाइक अ जंगल फायर। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, वो वीडियो देखिए, एंड डेफिनेटली ये बंदे को भी पकड़ना है। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, इसके बाद एक और बहुत बड़ा खुलासा करूंगी, क्योंकि जो मैंने बात बताई थी बरखा दत्त जिस साइकोलॉजिस्ट को लेके आई थी, एक्चुअली में वो साइकोलॉजिस्ट एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ऑफ कोर्स जैसे हमने देखा कि उसका लिंक्डइन पे से प्रोफाइल चला गया, ट्विटर पे से, फेसबुक पे से, हर जगह से वो बंदी गायब हो गई, सूजन। ठीक है, बेसिकली क्या था, महेश भट्ट का लंगोटिया यार, यस लंगोटिया यार, जो कि बचपन से उसके स्कूल में पढ़े लिखे थे, वो सुशांत को दवाइयां दे रहा था। और ये चीज सिद्धार्थ पेठानी ने बोली थी, और ये चीज पायल रोहतगी ने भी अपनी वीडियोस में बोली थी कि यस, मैं भी उस बंदे के पास गई थी। एंड उसको मोस्टली बॉलीवुड में जब भी किसी को साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, उसका नाम रेफर जरूर करते हैं। तो ये बेसिकली बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा अगेन अनदर नेक्सस डिस्क्लोज हो सकता है। इसको भी हमें जागृत करना है, इसका लाइसेंस जाना चाहिए। और मैं आपको 1 सेकंड में इसका नाम बताती हूँ, और इसकी वीडियो भी मैं अपनी वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ। ये जो मैंने अब आपको क्लिप दिखाई है, ये वो साइकाइट्रिस्ट है जो कि महेश भट्ट का फ्रेंड है और उसका क्लासमेट रह चुका है। रिया के साथ मिलके इन्होंने ये साजिश रची, और इन्होंने इसी साइकाइट्रिस्ट के बाद सुशांत को भेजा। जो 4-5 डायरीज मिली हैं सुशांत की पुलिस को, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती मेक श्योर करती थी कि वो मेडिसिन्स ले। सो ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, सो ये किसी और तरीके की मेडिसिन उनको दी जा रही थी। ये भी एक चौंकाने वाली और सोचने वाली बात है कि पुलिस की तरफ से कोई भी क्लियर स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सिद्धार्थ पिठानी को तीसरे चौथे दिन क्यों बुलाया गया, पुलिस ये क्यों कह रही। बर्थडे बॉय फोटो, एक बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सर सर रुकिए भाई भाई भाई, पंडित बर्थडे थोड़ा सा पीछे। अरे भाई सर सर सर, वेट वेट, चलो उधर अच्छा आगे बैठोगे।